राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उमंग श्रृंखला के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु मूल्य शिक्षा पर आधारित एक प्रेरक प्रसंग विचारों की सादगी। इन दिनों अतुल बहुत खुश है। खुश क्यों ना हो, गांव से उसके दादाजी आए हुए हैं। दादाजी का गांव बहुत दूर है, हर साल छुट्टियों में अतुल वहां नहीं जा पाता। दादाजी के आने से अतुल का खूब मन लग गया है। अतुल के माता पिता दोनों नौकरी पर चले जाते हैं, वो ज्यादातर घर पर अकेला रहता है। अब वो स्कूल से आने के बाद दादाजी से खूब बातें करता है, दादाजी उसे कहानी सुनाते हैं। अतुल के दादाजी बड़े अनुशासन प्रिय हैं। सुबह सवेरे उठकर टहलने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, पूजा करने के बाद ही नाश्ता करते हैं। एक दिन दादाजी अतुल से महापुरुषों की सादगी के बारे में बात कर रहे थे। सादगी से आपका क्या मतलब है दादाजी, अतुल ने पूछा। तब दादाजी ने कहा, अतुल बेटे, जो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें नहीं करता, अपने पद का, पैसे का घमंड नहीं करता, वो सादगी प्रिय होता है। मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूँ। सुनाइए दादाजी। एक बार की बात है, रात के 11:30 बजे थे, ठंड के दिन थे। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक गाड़ी आकर रुकी, उससे एक युवक उतरा। सांवला रंग, ऊंचा कद, वो खद्दर की धोती और कुर्ता पहने था। उसके पांव में चप्पल थी। गाड़ी कई घंटे लेट थी, इसी से आधी रात का समय हो गया। उस युवक ने स्वयं अपना सामान कंधे पर उठाया और स्टेशन से बाहर आ गया। युवक तांगे वाले के पास पहुंचा और उसे आनंद भवन चलने को कहा। तांगे वाले ने सिर से पैर तक उस युवक को देखा। तांगा आनंद भवन की ओर चल दिया। जब तांगा आनंद भवन पहुंचा, रात काफी हो चुकी थी। सभी कमरों की बत्तियां बंद थीं। युवक ने सोचा, लगता है सब सो चुके हैं। फाटक पर खड़े पहरेदार ने पूछा, किससे मिलना है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलना है, युवक ने उत्तर दिया। वो सो रहे हैं, सवेरे मिलना, कहकर पहरेदार ने युवक को गौर से देखा। उसे युवक एक अति साधारण व्यक्ति लगा। पहरेदार ने युवक के लिए ना कोई कमरा खोला, ना सोने के लिए चारपाई दी। उससे कहा, आप बरामदे में बिस्तर लगाकर सो जाएं, सुबह पंडित जी से मिल लीजिएगा। ठंडी हवा चल रही थी, युवक दमे का मरीज था, फिर भी युवक ने पहरेदार की बात मान ली। वहीं बरामदे में बिस्तर लगाकर लेट गया। जैसे जैसे रात बीती, ठंड बढ़ती गई। युवक ने खांसना शुरू कर दिया। युवक ने खांसी को रोकने का प्रयत्न किया, पर खांसी न रुकी। रात का सन्नाटा था, खांसी की आवाज नेहरू जी के कमरे तक पहुंच गई। जवाहरलाल नेहरू की नींद खुल गई। सोचने लगे, आधी रात को ये कौन खांस रहा है? खांसी की आवाज बराबर आ रही थी। नेहरू जी से रहा न गया तो उन्होंने अपनी खिड़की में से पूछा, चौकीदार, ये कौन खांस रहा है? एक आदमी आया है,
आपसे मिलना चाहता था। मैंने कह दिया सुबह मिलना, चौकीदार ने जवाब दिया। नेहरू जी उसी क्षण नीचे उतरकर आ गए। युवक को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। बाबूजी, आप यहाँ इस समय? नेहरू जी ने हैरानी से कहा। गाड़ी 3 घंटे देर से पहुंची, युवक ने कहा। आप यहाँ बरामदे में क्यों लेटे हैं? नेहरू जी ने पूछा तो युवक बोला, मैंने आपको नींद से जगाना उचित नहीं समझा। नेहरू जी ने चौकीदार को डांटा कि उसने बाबूजी के लिए कमरा क्यों नहीं खोला। चौकीदार ने अपनी भूल स्वीकार की, क्षमा मांगी। नेहरू जी बाबूजी का बिस्तर उठाकर स्वयं ऊपर ले जाना चाहते थे, लेकिन युवक अपना बिस्तर स्वयं ऊपर ले जाना चाहता था। दोनों की बातचीत से मोतीलाल नेहरू भी जाग गए, वो भी नीचे आ गए। युवक को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़कर बोले, बाबूजी, आप इतनी रात गए, आने की खबर दे देते, मैं मोटर भेज देता। आप परेशान न हो, मुझे यहाँ तक आने में कोई असुविधा नहीं हुई, युवक ने कहा। तभी नेहरू जी बोल पड़े, आपने हमें लिखा क्यों नहीं कि आप आ रहे हैं? मैं स्वयं आपको लेने स्टेशन आ जाता। मैं अपने कारण आपको कष्ट नहीं देना चाहता था। मुझे अफसोस है कि मेरे कारण इस समय आप लोगों की नींद खराब हुई, युवक ने कहा। हमने सादगी पसंद लोग देखे हैं, पर आपकी जैसी सादगी कहीं नहीं देखी बाबूजी। आपकी सादगी एक मिसाल है, मोतीलाल जी ने कहा। ये युवक थे बाबू राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें प्यार से सब बाबूजी कहकर बुलाते थे, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। दादाजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, मैं कल अपने दोस्तों को यही घटना सुनाऊंगा। केवल सुनाना नहीं, ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए, दादाजी बोले। आप ठीक कहते हैं दादाजी, कहकर अतुल ने प्यार से अपने दादाजी के गले में बाहें डाल दी। दादाजी ने उसे सीने से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। विचारों की सादगी। अभी आप सुन रहे थे उमंग श्रृंखला के अंतर्गत एक प्रेरक प्रसंग। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल और डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख विमला रस्तोगी, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर मंजू मैनी, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।